हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर चेकेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल रहा होगा, चाहो तो वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे पास हार्ड लेवल प्रॉब्लम है आज, ठीक है। बताऊंगा मैंने किस तरह से इसको सोल्व करा है ना, क्या क्या सोचा, क्या क्या मैंने अप्रोच यूज करी, और फिर उसको समझाऊंगा भी मैं आपको। तो हमें क्या कहा हुआ है, एक एरे गिवन होगा एन इंटीजर्स का। हमें क्या करना है, उस एरे की चार एरे में पार्टीशन करनी है, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। और ये सब एरे होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए, जैसे 4 2 2 5 1, ऐसे कंटिन्यूअस होने चाहिए हमारे, ठीक है। और जैसे ही हम चार में पार्टीशनिंग कर देंगे तो चारों का कुछ अपना अपना सम होगा। लेट से चारों का सम हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। पी क्यू आर एस का रिस्पेक्टिवली सम हमारे पास है, पी का डब्ल्यू क्यू का एक्स। ऐसे हमें क्या करना है, इन डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है और जो मिनिमम एलिमेंट, उनका डिफरेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमारा मेन टास्क ये है। अगर हम इस एग्जाम्पल की अपनी बात करें, इस एग्जाम्पल में मेरे चार एरे कौन कौन से बनते हैं, ये चार एरे बनते हैं। पहला एरे खाली 4, दूसरे में 2 2, तीसरे में 5, चौथे में 1। तो पहले एरे का मेरा सम क्या हुआ, 4, दूसरे का भी 4 हुआ, तीसरे का 5 हुआ, चौथे का 1 हुआ। तो मैक्सिमम सम मेरे पास क्या है, 5, मिनिमम सम मेरे पास क्या है, 1। और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस मेरे पास कितना आया, 4, ठीक है। तो ये आंसर आया, इससे मिनिमम मेरा आंसर नहीं आ सकता, कोई पार्टीशनिंग नहीं बन सकती। और जो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भाई अगर यहाँ पर सब एरे ना था होता, कि भाई कंटिन्यूअस सब एरे नहीं लेना, तो मैं कुछ क्या कर सकता हूँ, अपने एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट करने के बाद उसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, है ना, और चार पार्ट में उसको डिवाइड करके जो भी हमारा, मतलब एक तरह से वो है एलोकेशन ऑफ पेजेस, आपने शायद क्वेश्चन किया हो, उससे रिलेट कर रहा था मैं इसको। पर फिर सॉर्ट करने के बाद अगर इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो मैं कंटिन्यूअस सब एरे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट्स है वो इधर उधर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो मतलब वो मेथड तो मेरा नहीं चलने वाला था यहाँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा भाई जाते हैं हिंट पर, मैंने बोला हिंट। उसके बाद मेरे को क्या दिखा, फॉर ईच आई पार्टिशनिंग द एरे ऑफ आई इंटू टू पार्ट्स। मतलब एरे को आपको अभी क्या सोचना है कि चार पार्ट में नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करना है ना। कोई भी इंडेक्स आई पे हो, इधर वाला बस दो पार्ट में पार्टीशनिंग करो उसकी, फिर उन दो को दो दो में पार्ट करो, ठीक है, यूजिंग प्रीफिक्स सम टेबल, ठीक है। अब इतना मेरे को हिंट मिला, तो अब इससे मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं इसको। अब मैं अगर इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इस एग्जाम्पल का मेरा जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, एक्चुअल आंसर इसका मेरा है ए कह रहे ये, ठीक है। अभी मैं आपको खाली एक्चुअल आंसर बता रहा हूँ, ए कह रहे ये, ए कह रहे ये, ये कह रही है, ये इसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। ये चार सब एरे हैं, इसका सम मेरे पास कितना बन रहा है, 25, इसका सम मेरे पास बन रहा है 38, इसका सम मेरे पास कितना बन रहा है, 22, इसका सम मेरे पास कितना बन रहा है, 27, मैक्सिमम 38, मिनिमम 22, आंसर मेरा 16 आएगा इसका, ठीक है। अब मैंने हिंट में क्या पढ़ा कि चार में नहीं दो में करो, ठीक है। अब उसको यहां में इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, देखो हर एक इंडेक्स के लिए मेरे को दो पार्ट में उसकी पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अभी तक मेरा आंसर क्या आया था, दो पार्ट मेरे इसमें से बने थे, ठीक है, इसमें से, और दो पार्ट मेरे इसमें से बने थे। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई इस इंडेक्स से मैं इधर की एक पार्टीशनिंग करता हूँ खाली, और ये एक पार्टीशनिंग करता हूँ, ठीक है, यही कुछ कह रहा है वो। हर एक इंडेक्स के लिए करना, अभी मैं जिससे मेरा आंसर आ रहा है खाली उस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर के सम की बात करूँ, इधर मेरा क्या क्या बना था, एक तो मेरे पास आया था 25, एक मेरे पास आया था 38, ठीक है। इधर मेरे पास क्या क्या रहेगा, 22, एक मेरे पास आया था 27, तो इधर का सम मेरे पास कितना बना था, 49, और इधर का सम मेरे पास कितना बना अपना 63, ठीक है। तो ओवरऑल सम मेरा कितना बनेगा, 63 प्लस 49, 112, ठीक है जी। अब ये काम मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई मैं ये अपना आराम से पता लगा सकता हूँ कि किस पार्ट का मेरा कितना सम है, ठीक है। सिर्फ अब जो मेरा मेन टास्क आता है ना, वो क्या आता है, मेरे को पता चल गया इसका सम मेरा 63 है इस पार्ट का, इस पार्ट का सम मेरा 49 है। अब मेरे को इसको हर एक पार्ट को दो पार्ट में होल डिवाइड करना है, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। दो पार्ट, इस 63 को मेरे को 25 और 38 में डिवाइड करना है, और इस 49 को मेरे को 22 और 27 में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्स सम की बात करूँ, जो मेरे को हिंट में भी कहा हुआ है, वो मेरा किस तरह से बन के आएगा इस एग्जाम्पल का। अगर प्रीफिक्स सम की बात करूँ मैं, किस तरह से बन के आएगा, 13, फिर मेरे पास 24, फिर 25, 43, 63, 66, 71, 85, 95,
112, ठीक है। इस तरह का कब फिक्स सम मेरे पास बन के आएगा, इसको मैं आराम से बना भी सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैं अपने एरे को सोर्ट, स्टार्टिंग में कहा था एरे को सोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करो क्या ये सोर्टिंग में है, बिल्कुल सोर्टेड ऑर्डर में, क्योंकि मेरा सम इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरा सोर्टेड ऑर्डर में आएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर कहाँ से आया था, इससे जो मैंने हिंट पढ़ा, इसको दो भाग में डिवाइड करा था मैंने, और इस वाले को दो भाग में डिवाइड करना हो जाए ना, तो इस पॉइंट पर मेरा इधर का सम मेरे को पता चल गया 63, मेरे को मेरा इधर का सम पता चल गया कितना आएगा, 112 नहीं आएगा, क्योंकि 112 में ये सम 63 भी इंक्लूड है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 112 में से 63 माइनस करना पड़ेगा, मेरा सम आएगा 49, मेरे को दोनों सम पता चल गया। अब मेरा मेन पंगा क्या आता है कि सिर्फ इस एरे को जिसका सम 63 है इसको दो में डिवाइड करो और उसको दो में डिवाइड करो, ठीक है, इस एरे का यूज करके, ठीक है, हाफ आपको इसका यूज करना है और हाफ इसका यूज करना है, तो क्या मैं वहां बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता था, क्या मैं यहाँ बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ इस परफेक्ट एरे पर, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब बाइनरी सर्च में मेरे को क्या करना है, आपको एक एरे गिवन है, ठीक है, ये पार्ट आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड करना है कि आपका डिफरेंस मैक्सिमम ना बने, ठीक है, डिफरेंस मैक्सिमम कब नहीं बनेगा, जब दोनों सम जितना हो सके उतने आसपास हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च किस तरह से अप्लाई करूंगा, अगर मैं खाली अपने फर्स्ट पार्ट की बात बात करूं, मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 13, 24, 25, 43, 63, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है। अब मेरा क्या क्वेश्चन बन गया आगे, इसको मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, इंडेक्स का 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, लो मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाई मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है खाली, ठीक है, मिड मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये आया मेरा मिड, ठीक है, मिड एलिमेंट का मेरा समय आया 25, एक ऑप्शन मेरे के पास क्या बचा कि मैं 25 तक का सम अलग कर दूँ, बचा हुआ सम अलग कर दूँ, ठीक है, बचा हुआ मेरे पास कितना आएगा ये सम, अगर आप इसको निकालना चाहो तो आप कैसे निकाल लोगे, जो मेरा 63 है उसमें से जो ये मिड का सम है 25 ये माइनस कर दो, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 38, बचा हुआ सम मेरे पास कितना है 38, ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है, अगर मैं इस ऑप्शन को लेकर चलता हूँ तो दोनों एरे जो मैं दो एरे बना रहा हूँ, एक का सम 25 आ रहा है, एक का सम मेरे पास 38 आ रहा है, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, उनका डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 13 मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, ठीक है, अब ये डिफरेंस 13 आ रहा है, मैं लेफ्ट से कह लेता हूँ कि अभी तक का मेरा मिनिमम डिफरेंस है, अगर मेरे को इससे लो मिलता है डिफरेंस तो मैं हाँ उसको लूंगा, वरना मैं 13 तो लेके ही चलूंगा, ठीक है। अब देखो मेरा ये पार्ट का सम 15 है, ये पार्ट का सम मेरा 38 है, ठीक है, ये एरे वाइज बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप 63 और 43 का सम करोगे वो तो ज्यादा ही आएगा, लेकिन एक्चुअल एरे की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, 18 और 20 का सम 38 उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो हमने निकाल लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 63 में से 25 माइनस करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि आपको एक एरे को, इस एरे को दो में डिवाइड करना है, दो में डिवाइड करना है तो इस तरह से डिवाइड करना है, डिफरेंस कम से कम बने, तो आपको जितना हो सके उनको पास पास लेके आना चाहिए, ठीक है। अब आपका सम लेस किसका है, 25 का, आप चाहते हो इन दोनों को पास पास करना, तो आप क्या करोगे, 25 को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मतलब आप इस साइड की साइड राइट साइड मूव करोगे, राइट साइड मूव करोगे तो आप क्या करोगे, लो को क्या करोगे, मिड +1, ताकि आपका 25 इंक्रीज हो, 25 में कोई वैल्यू ऐड हो, एलिमेंट ऐड हो, और वो एलिमेंट 38 में से माइनस हो, डिफरेंस आपका थोड़ा और करीब आए, ठीक है, तो वो आप अब क्या करोगे, आप सबसे पहले आपका 13, 24, 25, ठीक है, उसके बाद 43, 63 था, अब आपका लो यहाँ पर है, आपका हाई यहाँ पर, ठीक है, और मिड आपका कहाँ पर आएगा, मिड आपका यहीं पर आएगा, तो मिड आपका आया 43, मतलब आप कह रहे हो कि पहले चार एलिमेंट आप एक एरे में लोगे, ठीक है, बचा हुआ एक एलिमेंट आप एक एरे में लोगे, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कुछ आप किस तरह से करोगे, आप ये चार एक एरे में लोगे और ये एक एरे में लोगे, कुछ इस तरह से अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो 63 में से अगर आप 43 माइनस करोगे, दूसरे की वैल्यू मेरे पास कितना आएगी, 20, एक समाया 43, एक समाया 20, ठीक है, 13 ही आया, मतलब मिनिमम सम अभी तक मेरा 13 ही है, मेरे को इस वाले को लेने की जरूरत नहीं है, मैं 13 ही ऑलरेडी अपना ले चुका हूँ, ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ कम हो सकता है क्या, अब मेरा इसका सम 43 है, इसका सम 20 है, आप क्या करोगे, इस वाले को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, मतलब राइट वाले को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, तो आप किधर मूव करोगे, लेफ्ट साइड, ठीक है,
लेफ्ट साइड मूव करोगे आपका एरे क्या था 25, 43, 63, हाई आपका यहाँ पर था, लो आपका यहाँ पर था, आप क्या करोगे हाई को मिड -1, मिड आपका कहाँ था यहाँ, मिड -1 आप करोगे, लो आपका यहाँ पर है, हाई आपका यहाँ पर आ जाएगा, बाइनरी सर्च आपकी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हाई आपका लेस देन लो हो चुका है। तो इसका मतलब जो मेरा मेन डिफरेंस आया वो कितना आया, मैं इस एरे में से अगर दो एरे बनाना चाहूं तो उनका डिफरेंस 13 से लेस नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा ये हुआ। ठीक है, तो वो 13 मेरा कहाँ से आ रहा था इसको, ठीक है कहाँ पर गए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, 13 मेरा कैसे आ रहा था, पहले 3 को एक एरे में लेके, अगले 2 को एक एरे में लेके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 13 के अकॉर्डिंग, पहले 3 को अपना एक एरे में ले लेंगे और अगले 2 को एक एरे में ले लेंगे। ठीक है, इसका समय है 25, इसका समय है 38, डिफरेंस इनका आया 13। ठीक है, अब क्या हम दो एरे नहीं बना सके अपना, हमारे दो एरे तो बन गए, अब बचे हुए कितने, खाली दो एरे और बनाने रह गए हमारे। ये काम मेरा क्या हुआ, ये काम हुआ मेरा फर्स्ट हाफ का। ठीक है, अब जो सेकंड बचा हुआ है उसमें से भी मेरे को दो बनाने हैं, वो क्या बचा हुआ है मेरे पास, अगर मैं अपने सम की बात करूं, जो मैंने सम अपना करा था 66, 71, 85, 95, 112, अब इसमें से मेरे को दो पार्ट में करना है, मैं सेम काम करूंगा, यहाँ पर मेरा लो, यहाँ पर मेरा हाई, ये मेरा आया मिड, मतलब इसका सम मेरे पास 85 आया, और बाकी बचे हुए का सम मेरे पास कितना आएगा, 15, 12, 27। ठीक है, बचे हुए का सम मेरे पास आया 27। अब आप कहोगे इसका सम 85 कैसे, इसका सम तो कम आएगा। ठीक है, अब वो एक्चुअल सम कैसे निकाल लोगे आप, क्योंकि उस केस में आपका वो चल गया था, क्योंकि उस केस में जो आपका सम था वो स्टार्टिंग से था। ठीक है, अगर आप इधर देखो ये 85, 85 कहाँ तक का, 85 तो बाबूजी यहाँ से लेके यहाँ तक का सम आ रहा है, एक्चुअल में तो हमें इन 3 का सम लेना है, तो इसका मतलब यहाँ तक का जो सम था जो कि था 63, वो 85 में से मेरे को माइनस करना है। ठीक है, वो मेरा एक्चुअल सम होगा, 85 में से जब मैं बना 63 माइनस करूंगा तो 22 मेरा एक्चुअल सम आएगा, एक सम आया मेरे पास 22, एक सम आया मेरे पास 27, इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा एबीएस, ठीक है एबीएस डिफरेंस मेरे पास आएगा 5, मान लेते हैं यही मिनिमम है। अब मेरा लेस कौन सा है, ये वाला लेस है, तो मैं मूव करूंगा राइट साइड, राइट साइड अगर इसके मूव करूंगा तो मेरे पास दो ही एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, लो हाई मिड यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल जो सम आया मेरे पास कितना आएगा, 95 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा अपना 63, 32 मेरा सम आया, और इसका सम कितना आया 112 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 95, जो कि मेरे पास आएगा 17। ठीक है, एक सम आया 32, एक सम आया 17, इनका डिफरेंस कितना आया 15, मिनिमम डिफरेंस मेरे पास क्या था 5। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम डिफरेंस मेरा 5 किस किस का आया था, 3, 5, 14 एक एरे बना लो, ठीक है कॉमा 10, 17 एक एरे बना लो, इसका सम मेरे पास 22, इसका सम मेरे पास 27। ठीक है, यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मेरे दो सब एरे कौन कौन से बनेंगे, दो सब एरे मेरे 3, 5 और 14 बनेंगे, और एक सब एरे मेरा 10 और 17 बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसका सम मेरा 22, इसका सम मेरा 27, और फर्स्ट हाफ में से मैं अपने दो पहले ही निकाल चुका था जिनका सम मेरे पास 25 और 38 आया था, सारों में से मैक्सिमम क्या आया 38, मिनिमम क्या आया 22, आंसर क्या आया 16। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अप्रोच कैसे वर्क कर रही होगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, अब हमें हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट से क्या करना है, दो एरे इधर छोड़ने हैं, दो एरे इधर बनाने हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट से हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है पहले, तो फिर उन दोनों पार्टों को क्या क्या करना है, दो दो में डिवाइड करना है। तो कम से कम हम यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे ही, क्योंकि कम से कम इधर दो एलिमेंट तो होने चाहिए तभी दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लूप यहाँ से लेके और कम से कम इधर भी मेरे दो एलिमेंट बचने से ये लूप मैं यहाँ तक चलाऊंगा। ठीक है, सिंपल ये काम करूंगा, ये लूप चलेगी, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आऊंगा मैं इस पार्ट को अपना बाइनरी सर्च के लिए भेज दूंगा और इस पार्ट को बाइनरी सर्च के लिए भेज दूंगा। ठीक है, इस पार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको स्टोर कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं सिमिलर काम इस पार्ट को भेजूंगा, इस पार्ट को भेजूंगा। ठीक है, इसको दो में डिवाइड करूंगा, इसको दो में डिवाइड करूंगा, जितना भी मतलब मिनिमम डिफरेंस मैं बना सकूं, जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर कर लूंगा, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा मिनिमम आंसर आएगा वो मेरा आंसर वेरिएबल में आ जाएगा आराम से। ठीक है, उसको मैं अपना रिटर्न कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप तो अपनी
ये रन कर रहा हूँ जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो फैन, ठीक है, साथ के साथ मैं हर बार क्या अप्लाई कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च वन टाइम अप्लाई की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन, एन टाइम अप्लाई की हो जाएगी एन लॉग एन, ठीक है, ये हुई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और साथ के साथ मेरे को क्या करना है, प्रीफिक्स सम एरे लेना है, जो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा उसी पर तो मेरी बाइनरी सर्च अप्लाई होगी। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ओ फैन, जो कि पूरे एरे का जो सम है वो स्टोर करती चलेगी हर पॉइंट पर कितना सम है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना ऊपर दिखाया ही था, जो मैंने अपना सम वाला एरे लिया था कहाँ पर है वो, ये रहा, ठीक है। इस पर ही मैं बाइनरी सर्च जैसे इतने पार्ट पर मैंने अप्लाई करी और इतने पार्ट पर अप्लाई करी, तो सबसे पहला काम क्या है मेरे को, सम एरे बनाऊं, ठीक है, ताकि सारे का मेरे पास सम आ जाए हर पॉइंट पर कितना सम है शुरू से लेके उस पॉइंट तक का, ठीक है। तो वो बना लेते हैं सबसे पहले, उसके लिए क्या करते हैं अपनी स्क्रीन को सबसे पहले थोड़ा फॉन्ट इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक एरे ले लेते हैं एन साइज का, ठीक है, उसके जीरो पे तो सबसे पहले एलिमेंट में तो सबसे पहले एलिमेंट का ही सम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर लूप लगा लेंगे, ठीक है, पहले एलिमेंट का सम ले चुके हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, सेकेंड एलिमेंट से चलाएंगे, इसमें इस एलिमेंट को ऐड कर दो प्लस पीछे तक का जितना सम आया उसको ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मेरा सम एरे बनकर आ जाएगा जो कि कुछ किस तरह से दिखेगा, जो कि मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इतना काम हुआ। अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लूप चलानी है, ठीक है, उसको मैं चला लेता हूँ, क्योंकि इधर पार्टीशनिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कम से कम दो एलिमेंट तो होने चाहिए और लास्ट में भी कम से कम दो एलिमेंट तो मेरे पास होने ही चाहिए, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं, लॉन्ग लॉन्ग एक तो ले लेता हूँ आंसर। अब मेरे को मिनिमम आंसर चाहिए तो मैं इसको इंट मैक्स ले लूंगा स्टार्टिंग में। अब मेरे पास टोटल सब एरे कितने बनेंगे, चार, डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो सब ले लिए मैंने, इनमें क्या होगा, डब्ल्यू में पहले का एक्स में दूसरे का ऐसे सम स्टोर होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पहले इसको दो सब एरे में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाइनरी सर्च फंक्शन एक कॉल कर दूंगा जिसमें मैं इंडेक्स भेजूंगा, वो इंडेक्स मेरे को क्या बताएगा कि जो आप सब एरे आपने भेजा है, हाँ ठीक है, जो मतलब ये आपने भेजा है इसमें आपको इंडेक्स दे देगा वो, कि फर्स्ट आपका यहाँ तक है पार्टीशनिंग, सेकंड आपकी अगले पॉइंट से लेके एंड तक है, ठीक है। तो मतलब मैं कुछ क्या करूंगा, यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूंगा, उसमें मैं क्या क्या पास करूंगा, एक तो मेरा एरे जाएगा ही और साथ में क्या क्या जाएगा, साथ में मेरा स्टार्ट पॉइंट जाएगा। अभी मैं पहले पहली पार्टीशनिंग की बात कर रहा हूँ तो स्टार्ट पॉइंट मेरा जीरो होगा, एंड पॉइंट मेरा क्या होगा, आई माइनस वन, ठीक है, क्योंकि मैं टू पर हूँ, मेरे को देखना कहाँ तक है, वन तक, ठीक है, एंड पॉइंट होगा मेरा आई माइनस वन, और यहाँ तक का जो टोटल सम है वो मेरे पास क्या है, 24, वो मैं भेज देता हूँ एरे ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। और साथ में इससे पहले का सम, ठीक है, इससे पहले का सम जो कि है जीरो वो भेज देता हूँ मैं। अब इसकी जरूरत क्या है इस जीरो को भेजने की, ठीक है, वो आपको अभी समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आकर बाइनरी सर्च में आकर मेरे को क्या अपना लो मिल जाएगा जो कि है जीरो, हाई मिल जाएगा जो कि है वन। मैं सिंपल अपनी बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, सबसे पहले वो बाइनरी सर्च अप्लाई करता हूँ, साथ साथ आपको बताता रहूंगा मेरा क्या क्या होता रहेगा, ठीक है। इसमें मेरे पास आ रहा है एक तो वेक्टर ऑफ, अब यहाँ पर ए नहीं भेजना है, एरे भेजना है, ठीक ठीक है, ए तो मेरा सोर्टेड है नहीं, एरे मेरा सोर्टेड है, सम वाले पे तो मेरे को बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है, ठीक है। साथ में मेरा क्या आया लो, साथ में मेरे पास आया मेरा हाई, साथ में मेरे पास आया इस पूरे का सम जो कि मेरे पास है 24, वो आया, ठीक है, साथ में मेरे पास आया, यहाँ पर आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना है, यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग लेना है क्योंकि सम आपका ग्रेटर हो सकता है, ठीक है जी, और यहाँ पर भी आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आए, हमने करा अपनी बाइनरी सर्च अप्लाई, उसके लिए मेरे को एक तो मिड चाहिए, ठीक है, एक साथ में चाहिए मेरे को इंडेक्स जो कि बताएगा पहली पार्टीशनिंग कहाँ तक है, सेकंड पार्टीशनिंग कहाँ तक है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी बाइनरी सर्च सिंपल अप्लाई करूंगा,
ठीक है, यहाँ पर मिड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, लो मेरे पास आया जीरो, अब यहाँ से आपको टेम्प का भी समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा। लो आया जीरो, हाई आया वन, 0 + 1/2 मेरे पास मिड आ गया जीरो। ठीक है, मिड जीरो आया, इसका मतलब मिड मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मिड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पहला सब एरे मेरा ये बनेगा। इस होल में से बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से मेरे को दो बनाने हैं ना, और दूसरा मेरा ये बनेगा। अब मैं इसकी सम की बात करूं, इसका सम मेरे पास कितना है, फर्स्ट का सम मेरे पास कितना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ अपने पास लॉन्ग लॉन्ग, फर्स्ट सब एरे और सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट का सम मेरे पास कितना आया, जहां पर मेरा मिड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एरे ऑफ मिड। सेकंड का सम मेरे पास कितना आएगा, सेकंड का सम एक्चुअल में कितना है मेरे पास, देखो यहाँ पर फर्स्ट का सम 13, सेकंड का सम मेरे पास कितना है 11, तो 24 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड का सम मेरे पास क्या आएगा, एरे ऑफ 24 मैंने किस में भेजा हुआ है, 24 मैंने सम में भेजा हुआ है, जो कि मेरा कंप्लीट सम है, मतलब जो मेरा लास्ट पॉइंट है 24 वो मेरा उसमें आया हुआ है। तब में से आप क्या माइनस कर दो, तो 13 पर कौन पॉइंट कर रहा है, 13 पर पॉइंट कर रहा है अपना मिड, तब में से माइनस कर दो एरे ऑफ मिड। ठीक है, अभी तक हमारा टेम का यूज नहीं हुआ, टेम का यूज आपको साथ के साथ बताऊंगा जब होएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, इसमें आ गया 13, इसमें आ गया 11। अब देखो उन दोनों के बीच, हमें उन दोनों को जितना करीब हो सके उतना करीब लाना है, तो उनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले उन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक ले लेते हैं डिफरेंस, अब वो मिनिमम होना चाहिए, तो इसको इंट मैक्स से ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ए बी एस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, इसका फर्स्ट और सेकंड का अगर डिफरेंस 13 - 11 2, अगर मेरे पास लेस आता है डिफरेंस से, तो इसका मतलब हाँ मेरे को और करीब भी कोई एरे मिल गया है, दो सब एरे ऐसे मिल गए हैं। ठीक है, और वो किस पॉइंट पर मिले हैं, जहां पर मेरा मिड अभी पॉइंट कर रहा है वहां पर मिले हैं। ठीक है, उसका इंडेक्स मैंने स्टोर कर लिया और साथ में अपने डिफरेंस को भी अपडेट कर लिया। ठीक है, पर ब्रैकेट गलत लग गए, अब मेरा डिफरेंस हो चुका है 2, इंडेक्स में मेरे आ चुका है 0। अब मेरे को क्या करना है, 2 तो आ चुका है, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको और करीब लेकर जाऊं। ठीक है, तो और करीब कैसे लेकर जाऊंगा, अगर फर्स्ट लेस देन है सेकंड के, मैंने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट लेस देन है सेकंड के तो मूव करेंगे राइट साइड, वरना मूव करेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर है 13, सेकंड है मेरे पास 11, तो मैं किस साइड मूव करूंगा, लेफ्ट साइड मूव करूंगा, क्योंकि मेरा सेकंड लेस है, मैं सेकंड को इंक्रीज करने की कोशिश करूँ। ठीक है, इस केस में मेरी इफ नहीं चलेगी, इस केस में मेरी चलेगी अपनी एल्स। ठीक है, एल्स में मेरे को क्या करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, और इसमें मेरे को राइट साइड मूव करना है। ठीक है, लास्ट में मेरे को क्या करना है, रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो इस केस में मेरा 13 2 से कम डिफरेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट ही 2 है अपने। ठीक है, तो इंडेक्स मेरा क्या रिटर्न होगा, 0, इंडेक्स में मेरा क्या रिटर्न हो जाएगा, 0। तो वो मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, इस इंडेक्स में मेरे पास वो आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है, पहले का सम निकालना है और दूसरे का सम निकालना है, तो पहले का सम मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ, आप यहाँ पर देखो इंडेक्स में मेरे पास 0 आया, पहले का सम मेरे पास आएगा 13, मतलब W का सम मेरे पास क्या आएगा, एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक है, दूसरे का सम मेरे पास क्या आएगा, एरे ऑफ i - 1, मतलब 24 - जो पहले का सम है, माइनस जो मेरे पास पहले का सम है, या है मेरे पास दूसरे का सम। अब मैंने अपने दो एरे निकाल लिए हैं जो मेरे पास आए हैं 13 और 11। ठीक है, अब मेरे को सेम काम किसके लिए करना है, सेकंड हाफ के लिए, आई से अगले वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम कॉल किसके लिए कर देता हूँ, सेकंड पोर्शन के लिए। सेकंड पोर्शन की शुरुआत मेरी आई से होगी, एंड मेरा n - 1 पर होगा। ठीक है, और उसका कंप्लीट सम मेरे पास कितना होगा, एरे ऑफ n - 1 कॉमा, उसमें से मेरे को माइनस क्या करना है, आप देखो यहाँ पर आपको टेम्प की जो है वैल्यू का पता चलेगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड पोर्शन की, जिसका सम मेरे पास ये पड़ा है, स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, सम मैंने कितना भेजा, जैसे कि यहाँ पर मैंने सम कितना भेजा था 24, यहाँ पर सम भेजा मैंने 112। ठीक है,
लेकिन उस 112 में से मेरे को ये 24 ध्यान दो, ये 24 तो उसमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो टेम्प में मैं क्या भेजूंगा, टेम्प में मैं भेजूंगा एरे ऑफ आई माइनस वन, ये मैंने भेज दिया टेम्प में 24, क्योंकि 24 वाला जो पार्ट है, ये जो सम है, ये तो मैं फर्स्ट टू में ले चुका हूँ ना, अब सेकंड टू में तो मेरे को सम को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। वो मेरे पास आएगा टेम्प में, अब देखना उसकी वैल्यू यहाँ पर कैसे चेंज होगी, ये सारा काम मेरा ठीक चलेगा। अब एरे ऑफ मिड क्या आएगा, ठीक है, मान लेते हैं मैं कह देता हूँ कि मेरा मिड मान लीजिए ये आया, सिर्फ मान रहा हूँ मैं, ठीक है, 71। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एरे का सम 71 है, उसमें से मेरे को 25 माइनस करना है, 24 सॉरी माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअल सम मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट में मेरे क्या आएगा, एरे ऑफ मिड माइनस टेम्प, टेम्प में मेरे 24 है, और इस केस में पहले केस में मैंने टेम्प में इसलिए 0 भेजा है ताकि कुछ माइनस ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये ठीक चल जाएगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम चलेगा। यहाँ से मेरे को दो एरे और मिल जाएंगे अपने, ठीक है। उन दो एरे का सम क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स, वाई का सम मेरे पास क्या आएगा, जो भी इंडेक्स आएगा, ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। इंडेक्स मान लीजिए 71 पर आया, तो एक्चुअल सम 71 नहीं है, उसमें से 24 माइनस करना है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जेड में मेरे पास क्या आएगा, कंप्लीट सम में से एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 71 पर आया, अगर मैं आपको दोबारा लिख कर एक बार बता दूं ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पार्टीशनिंग मेरी होगी, अब मैं इस पार्टीशनिंग की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं मेरा इंडेक्स ये रिटर्न हुआ, तो एक्चुअल सम इसका 71, 71 मेरे पास वाई में नहीं आना चाहिए, एक्चुअल में क्या आना चाहिए, सम मेरे पास 71 माइनस 24, क्योंकि मैं खाली किन एलिमेंटों की बात कर रहा हूँ, मैं खाली इन एलिमेंटों की अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें ये 13 और 11 इंक्लूड नहीं है। और जेड की अगर मैं बात करूँ, जेड में मेरे पास क्या आना चाहिए, 112 में से कितना माइनस कर दो, ये 71, 71 मेरे, 112 मेरे पास क्या है, एरे ऑफ एन माइनस वन माइनस 71 मेरे पास क्या है, जो ये इंडेक्स आया, एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो जेड में मेरे पास ये आएगा, जेड का मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल अपने आंसर में क्या लेना है, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा इनमें से सारों में से मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, इन सारों में से डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से मैक्सिमम माइनस इन सारों में से मिनिमम का जो डिफरेंस है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और लास्ट में मेरे को क्या करना है, अपना रिटर्न आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार चलाकर देखते हैं पहले, कोई गलती होगी तो उसको देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पर गलती है, गलती अपनी है यहाँ पर आएगा अपना लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि जो 8 आ रहा है वो अपना लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है। चलाते हैं इसको एक बार, सही चल रहा है, इसको एक बार सबमिट करते हैं, ठीक है जी, अपना सबमिट हुआ। अब इसका जावा कोड मैंने सिमिलर सेम पैटर्न में अपना जावा कोड लिखा हुआ है, उसको मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, कंप्लीट कोड दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अपना एरे ले लिया, ठीक है, उसका प्रीफिक्स सम सारा निकाल लिया, ये यहाँ पर आंसर ले लिया, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक है। दो से लेके एंड तक लूप चला ली, उसमें हमने क्या करा, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए दो बार बाइनरी सर्च कॉल किया, और चारों का अपना सम निकाल लिया, उसमें से जो मिनिमम होगा वो हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है। इसको एंटर मार के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर हमने क्या करा, अपना बाइनरी सर्च फंक्शन अप्लाई किया, जिसमें मिड और इंडेक्स जो हम रिटर्न करेंगे, इंडेक्स क्या होगा, जो आप हाफ एरे भेज रहे हो, कोई भी फर्स्ट पार्ट भेज रहे हो, उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस दोनों पार्ट कहाँ तक फर्स्ट पार्ट आएगा और कहाँ तक सेकेंड पार्ट आएगा, इंडेक्स उसको आइडेंटिफाई करेगा, डिफरेंस जो कि इन दोनों के सम का मिनिमम डिफरेंस होगा, ये अपनी सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई करी, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका सम, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होगा उसका सम, ठीक है। और अगर फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस मिनिमम आ जाता है तो इफ चल जाएगी, वरना अगर फर्स्ट सेकंड से लेस है तो राइट साइड मूव हो जाएंगे, वरना लेफ्ट साइड मूव हो जाएंगे, लास्ट में हमारा इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ, सबमिट करके दिखा देता हूँ इसको भी आपको,
ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस। लिंक्डइन और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।